हाय दोस्तों, हाय दोस्तों, देखिए क्या है पीछे। ये टेंट कब से 5 दिन पहले से लगा के चले गए थे क्या? नहीं दोस्तों, देर हो रहा था तो इसलिए टेंट फेंट फटाफट सेटअप कर लिया भाई। बिल्कुल, समय बचाने के लिए, क्योंकि इससे पहले कि ज्यादा अंधेरा हो जाए, टेंट वगैरह सब कुछ हमने सेटअप वगैरह सब कुछ कर लिया। अब देखिए, ये भी एक नया लोकेशन है हमारे लिए, मतलब ये जो पानी वाला लोकेशन, उस लास्ट टाइम जो हमने मछली पकड़ा था उस टाइम एक अलग लोकेशन गए थे, ये भी थोड़ा अलग लोकेशन है। यहाँ पे आज मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिशिंग करेंगे। जाल हमारा रेडी है, आज थोड़ा प्रैक्टिस भी किए हैं भाई, अच्छे से जाल वाल डालेंगे, है कि नहीं भैया? हाँ भाई। चलो ट्राई करते हैं, एक बर्तन साथ में रख लेंगे, बाई चांस मछली पकड़ में आती है तो इसमें पैक करके लाएंगे। ढक्कन लेके जाएंगे? हाँ, ढक्कन लेके जाएंगे, नहीं तो कूद जाएंगे ना पानी में फिर से दोबारा से। और लोकेशन, हाँ बोलो। आज पकड़ के ही रहेंगे भाई, आज पकड़ के ही रहेंगे। ठीक है, अरे भाई तो अपना कॉन्फिडेंट है, देखते हैं क्या होता है। और टेंट का लोकेशन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए काफ़ी पथरीला लोकेशन है, बहुत सारे पत्थर चारों ओर आप देख सकते हैं, बहुत पथरीला है। लेकिन हमने जहाँ पर टेंट लगाया ना, मतलब चुन के लगाया है प्लेस से, उसके नीचे थोड़ा सा ग्रासी था, थोड़ा स्पॉन्जी लग रहा था, इसीलिए वहाँ पे सोया जा सकता है। और इधर पे कहीं पे लगाते ना तो ये वाला प्लेस भी वो पूरा कीचड़ कीचड़ है, मतलब फ्रेश वाटर अभी सूखा नहीं है, उससे थोड़ा मड्डी हो रखा है और सॉफ्ट मिट्टी है, उससे ना कीचड़ होने के चांसेस बहुत थे, तो ये प्लेस हमारे लिए सही रहेगा। चलो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं मछली पकड़ने। देखो दोस्तों, जाल निकल लिया। निकल लिया? हाँ। बहुत बड़ा काम कर लिया भाई। चलो चलते हैं अभी। स्टार्ट करें भैया नए तरीके से? हाँ स्टार्ट करो भाई। चलो देखेंगे, उस दिन तो जाल ठीक से नहीं लगा पड़ता था भाई। बिल्कुल, आज पड़ता है कि नहीं भाई? देखो संतन भाई पहले स्टार्ट कर रहे हैं। चलो तैयार हूँ मैं, फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ डालो डालो, देखते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, दुआ करो पहली बार ही बड़ा सा मछली फंस जाए। बिल्कुल, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ आया क्या भाई? देखो तो, या नहीं कुछ नहीं है? कुछ नहीं है भाई, तो डालू? हाँ डालो भाई। फंसा कि नहीं भाई कुछ? चलो अभी किस तरह विस्तर ट्राई करें क्या? हाँ डालो, थोड़ा नीचे जाता हूँ मैं तो, इस बार थोड़ा गड़बड़ी हो गया भाई डालने में, चाल थोड़ा उलझ गया। ट्राई करूँ? हाँ डालो। चलो एक और लोकेशन पे आया हूँ, मार के देखूँ? हाँ मारो भाई, देखो कोशिश तो जारी रहे। बिल्कुल, मिले भाई मिले, लकड़ियाँ मिले। नहीं फंसा क्या? लकड़ियाँ ही फंसते हैं भाई।
मछलियां तो नहीं फंसते। अरे एक फंसा क्या, ये क्या है, ऊपर लाके देखता हूँ, रुको लाओ तो। ये लकड़ी है भाई, देखो फंसा क्या, नहीं लकड़ी ही है लगता है। नहीं है ना, लकड़ियाँ ही हैं, छोटे मोटे लकड़ियाँ लग जा रहे हैं। चलो तुम भी थोड़ा ट्राई कर लो अभी। हाँ दो भाई चल। काफ़ी देर से मैंने भी कोशिश किया दोस्तों, कंधे में दर्द हो गया उठा उठा के। अभी एक और लोकेशन पे आए, थोड़ा आगे आए, यहाँ पे हरी भाई अपना डालने के लिए तैयार है जाला। हाँ, देखते हैं क्या होता है। फेंको फेंको तो। हाँ फेंको। गिरा ना भाई सामान। हाँ वो टेक्निक काम आ गया। देखो भाई ताली मारो भाई, आ रहा है मछली, आ गया क्या। देखो देखो पकड़ो, यहाँ तो पकड़ में आ जा रहे मछली। पत्थर घुस गया भाई, क्या करेंगे, पत्थर घुस गया, जाल लग गया। लग गया कहाँ पे, लग गया मिट्टी के अंदर भाई, खींचने से नहीं आता क्या। करेंगे ना नीचे। ओहो गड़बड़ हो गया दोस्तों, थोड़ा लग गया भाई जाल पत्थर के पीछे, ऐसे लग गया बोल रहे हैं हरी भाई। हो आज भी बैड लक लगता है, मतलब उस दिन तो छोटी सी मछली पकड़ में आई थी, आज तो छोटी मछली छोड़ो ये जाला ही लग गया उधर जाके। ठीक है चलो निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों, फिर आपको अपडेट करते हैं, ज़्यादा अंधेरा होता है तो चलेंगे, नहीं तो जाल निकल जाता है तो एक और बार भी कोशिश किया जाएगा। ठीक है चलो। चलिए मुश्किल से वो जाला वो पत्थर से निकाला हमने, अभी देरी ना करते हुए थोड़ा उजाला है ना, एक और अटेम्प्ट ले ही लेते हैं, मार के देख लूँ। हाँ देखो। नहीं भैया इस बार भी नहीं। हाँ डालो भैया देखेंगे। कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, क्या करें, आज खाली हाथ जाना पड़ेगा क्या भाई। मुझे भी ऐसे ही लगता है, पकड़ में तो नहीं है कोई भी, या उस तरफ एक और बार ट्राई करें। हाँ देखो चलो, यहाँ पे भी पत्थर काफी है तो लगने का भी, फंसने का डर है। हाँ जाल लग जाएगा तो अंदर घुसना पड़ेगा भाई, नहीं तो वही तो। कोशिश करते हैं, देखते हैं एक और अटेम्प्ट लेते हैं यहाँ पे। उलझ गया काफी ओर से, ये तो लकड़ियाँ वकड़ियाँ लग गए है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा उलझा है, चलो एक और अटेम्प्ट मारता हूँ। अरे देखो कितने लकड़ियां देख रहे हो, नहीं होगा भाई आज तो। चलो एक अटेम्प्ट तुम भी मार लो, होगा तो होगा, नहीं तो चलेंगे भाई। हाँ तो दोस्तों बहुत ही दुख की बात है भाई, बहुत बड़ी मछली नहीं फंसी। मछली नहीं फंसी, लकड़ियां ही फंसी भाई, लकड़ियां ही बिल्कुल।
कि क्या कर सकते हैं, कभी कभी फंसते हैं कभी कभी नहीं फंसते हैं, लेकिन हमने एक नए कैंपिंग प्लेस की अपडेट दिया था ना, वहाँ पे जरूर मछली फंसेंगे, वहाँ पे पकड़ने के चांसेस बहुत हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंपिंग तो वही लोकेशन ही है, वहाँ पे ग्रुप कैंपिंग का भी प्लान कर रहे हैं, हमारे साथ एक और बंदे भी जुड़ने वाले हैं, इनके रिश्तेदार या दोस्त क्या रखते हैं भाई, दोस्त हैं? हाँ दोस्त हैं भाई, दोस्त हैं, बोल रहे थे आने के लिए, तो वो ग्रुप टाइप का भी हो जाएगा, फिशिंग वगैरह हो जाएगा वहाँ पे, प्लान करेंगे वहाँ पे ही, देखते हैं भाई। वो मेरा दोस्त तो आएगा बोलता था, हाँ वो जाने के समय ही आएगा कि नहीं गारंटी कुछ नहीं, हाँ आएगा बोल रहा था, मतलब लास्ट मोमेंट वो कैंसिल कर दे तो कुछ कह नहीं सकते, हम पक्का जाएंगे वहाँ पे, हाँ। वो आए ना आए हम जरूर जाएंगे वहाँ पे, मछलियाँ पकड़ेंगे, फिशिंग करेंगे, बाकी देखते हैं वहाँ पे आती है कि नहीं। तो आज का काम बढ़ाए आगे, हाँ बढ़ाएंगे भाई। तो आज के जो डिनर के प्लान में ना हमने पता है क्या प्लान किया है, वो किधर गया, बड़े बड़े लाए थे ना भाई, हाँ बर्गर बनाएंगे दोस्तों और भी है मस्त, चार बर्गर बना के खाएंगे आज, तो देखते हैं। उसके लिए सारा सब्जियां वगैरह लाए हैं, गाजर और पत्ते गोभी, साथ में बीन्स, ये सब सब्जियां काटेंगे, नए तरीके से बनाएंगे ना बर्गर, हाँ। देखते हैं भाई कैसा होता है नए तरीके से, हाँ देखो नए तरीके से, लंबे लंबे दो मिर्चियाँ, हाँ ग्रीन चिलीज, दो प्याज, दो टमाटर यहाँ पे रख लेते हैं, और इसके अंदर दोस्तों देख लो उबला हुआ आलू है, इसको मैश करेंगे, मैश करके ट्राई करेंगे। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, ये आलू के छिलके निकाल लेता हूँ, हाँ। फिर बाद में वो सब भी एक एक काटूँगा। तो मैं क्या काटूँगा भाई पहले, हाँ जिससे भी शुरू करना चाहो कर सकते हो, ये गाजर रख लो, नहीं तो बीन्स से स्टार्ट कर लो, हाँ बीन्स से स्टार्ट करो, तब तक मैं छिलके निकाल लेता हूँ, हाँ फिर बाकी का सब काट लेंगे एक एक करके। बीन्स ऐसे लंबा लंबा छोड़ दूँ क्या, इतने लंबे लंबे, हाँ। ऐसे ही खा लोगे, नहीं बर्गर बनाना है क्या, हाँ बर्गर बनाना है, कितना बड़ा बड़ा होगा भाई, नहीं बर्गर मतलब उसका स्टफिंग बनाना है इसका, हाँ पूरा छोटा छोटे 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 पीस करो ऐसे छोटा छोटा, हाँ देखते हैं। देखो भाई गुरु आप ही हो ना, मैं गुरु कहे का हूँ भाई, नए तरीका का गुरु तो तुम ही हो मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ बाकी बनते बनते तो इनका नया तरीका हो ही जाएगा आखिर में, और आगे प्लानिंग है भाई, हाँ मेरा नया तरीका, हाँ वही तो नए तरीके प्लान कर कर रखते हैं और गुरु मेरे को बोलते हो खाने में पूरा रेडी रहना है भाई, वही तो डर लगता है, हाँ। आज का क्या नया तरीका होगा जैसे आलू अच्छे से तो उबल गए हैं लगता है, छिलके मस्त निकल रहे हैं। अरे भैया, हाँ आवाज सुन रहे हो फिर से, हाँ और पास आ गए शेर लोग, फिर से शेर देखो इस एरिया में भी है, बहुत है, कैसे चिल्ला रहे हैं देखो, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, देखो घुसोगे क्या टेंट के अंदर, या पास में आएंगे फिर देखेंगे, थोड़ा दूर है लगता है भाई, दूर है, चार लोग को मुझको बहुत डर लगता है भाई, हाँ काफी डरते हैं उनसे, बहुत डर लगता है उसका आवाज, बहुत डर लगता है, हाँ थोड़ा सा मैश होने के बाद उसके ऊपर भी मसाले वगैरह थोड़े थोड़े डाल दो ना, हाँ डाल दो भाई, ठीक है पहले थोड़ा मैश हो जाने देते हैं, सारे मसाले थोड़ा थोड़ा डाल लेता हूँ, लाल मिर्ची पाउडर खाओगे तो, हाँ थोड़ा भाई, और हरी मिर्ची भी है ना ज़्यादा हो जाएगा, हाँ ये तो पानी के अंदर कूदना पड़ेगा बोल रहे हो क्या, हाँ ऐसे ही भाई, देखते हैं कैसा बनता है,
नमक डाला कि भाई? हाँ नमक नहीं डाला, बिल्कुल सही याद दिलाया भाई, सही मौके पर। हम नेक मूवमेंट में छक्का मारते हैं ना भाई। हो जाएगा मिला लो अच्छे से। तो भैया तेल गरम हो गया, हाँ डाल लेता हूँ गाजर और बीन्स। हाँ डाल दो। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल लेता हूँ। धनिया पाउडर डाल लूँ? हाँ डालो। काला धनिया डाल लूँ? काला धनिया, हाँ काला धनिया डाल दो भाई। 10 किलो डाल दो और गोभी पत्ता भी डाल दो भाई। गोभी पत्ता वो कौन है? तेल में थोड़ा फ्राई हो जाएगा, उसको तो डायरेक्ट डालेंगे ना भाई। हाँ थोड़ा थोड़ा तेल में फ्राई होने से भी चलेगा भाई। अच्छा ऐसा बोलते हो? हाँ। नए तरीके से? हाँ ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो ये भी कर लेता हूँ। अच्छा ऐसे फ्राई कर लूँ थोड़ा बोल रहे हो? ठीक है अब तुम कह रहे हो तो मैं कर लेता हूँ नए तरीके से। ऐसे ये पहली बार देखा है ऐसे प्रोसेस मैंने। हाँ तेल में थोड़ा फ्राई हो जाएगा ना। हाँ बढ़िया आइडिया है। तो ये कहाँ से सीखा था ये? ये हमारा तरीका है। तो भैया हाँ अभी मैश किया हुआ आलू भी डाल लूँ? हाँ डाल दो भाई। अरे जा रे, ये क्या फेविकॉल की अटूट जोड़ की तरह चिपक गया क्या? निकला। चलो अभी हरी मिर्चियां भी डाल लेता हूँ। अभी मैदा का भी एक घोल बना लेंगे, हो जाएगा लगता है इतना। जरूरत पड़ेगा तो डालेंगे और नहीं तो हो जाएगा। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं, क्रिस्पी रहेगा ना थोड़ा। चलिए पानी मिलाता हूँ। चलिए अभी जो काम करना है ये जो स्टफिंग है इसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। तेल गरम कर लेता हूँ मैं। हाँ मैं मैश कर देता हूँ। हो गया, देखो कितना बड़ा बड़ा होगा। हाँ कितना बड़ा बड़ा होगा ये? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करो नहीं तो। हाँ अभी ऐसे ऐसे करके थोड़ा साइज शेप में लाके इस मैदे के जो घोल हमने बनाया उसके अंदर डुबो डुबो के ब्रेड क्रम्ब लाया हूँ। ब्रेड को फ्राई करके पाउडर किया जाता है ना, वो पाउडर लाया हूँ। ये पाउडर में लगाएंगे, तलेंगे, फिर क्या बोलते हो? हाँ होगा तो होगा ना भाई, नए तरीके से। नहीं हो के कहाँ जाएगा भाई। देखो ये शेप में आ रहे हैं तो हो जाएगा ना। ऐसे बता दूं हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही है अभी। हाँ पानी के पास भाई। हाँ एक तो ठंड लग रही है, ये तो पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट ये है, हमारे चूल्हा जो गर्म कर रहा है ना तेल को, उसमें भी थोड़ा अड़चन डाल रहा है। ये लगाया है हमने, फिर भी यहाँ पे गैप होते हैं ना, उसमें से हवा निकल के अंदर चली जाती है। गर्म हो जा भाई। हाँ पहले उसमें डुबा ना थोड़ा। हाँ। देखो फूटेगा क्या अभी? धीरे धीरे। हाँ अभी उसको उस ब्रेड क्रम में भी डालना है इसके अंदर। हाँ उल्टा तो फिर चिपक गया।
ज़्यादा भी नहीं लगाना है, चारों साइड से लगता नहीं होगा। अभी तल के देखो, हो गया भाई, मस्त हो गया। तो हो गया तो हाँ, देखो धीरे से डालो तेल के अंदर, डालू हुआ तो हाँ मस्त हुआ भाई। चलो थोड़ी देर फ्राई करते हैं इसे, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई, पहली बार लगता है फ्राई हो गया। हाँ अरे वाह वाह वाह, देखो तो, देख रहे हो? हाँ बढ़िया तो हो गया भाई, मस्त फ्राई हो गया। हाँ एक गलती हो गया भाई। क्या भाई? टिश्यू पेपर भूल गया मैं। टिश्यू पेपर थाली में रख दो भाई, और एक दिन देखेंगे टिश्यू पेपर। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, क्लोजअप और भी दिखाएंगे। अभी एक तो हुआ, और डालेंगे। हाँ और एक डालेंगे भाई। हाँ डालो, ऐसे ही डूबना तो। हाँ डुबो लो, धीरे धीरे करना है भाई। हाँ बस एक बार ब्रेड क्रम लग जाए उसके बाद अच्छे से चिपक जाएगा ये। हाँ छूटेगा नहीं फिर ये। बढ़िया बढ़िया हो गया भाई। हो गया तो हाँ, अभी धीरे से डालोगे? डालू। हाँ डालो। ये लग गया भाई थोड़ा। वैसे बता दूँ चूल्हा मैंने थोड़ा धीमा कर लिया है ताकि ज़्यादा गर्म भी ना हो और अच्छे से तल भी जाए। हवा चल रही है भाई, ठंड लग रही है, धीरे धीरे रात बढ़ रही है, जैसे ठंड भी बढ़ रही है। डुबो लोगे? मस्त डूब गया तो। वाह वाह वाह, क्या लुक है, ऐसे ही खा जाने का मन कर रहा है क्या? हाँ तो अभी इसमें डुबो लोगे? वाह वाह वाह, क्या बढ़िया दिख रहा है भाई। हाँ देखो, डालोगे? डालो डालो। आए हाय 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 हाय, क्या हो, ये क्या हो रहा है? एक्साइटेड बहुत हो लगता है। बढ़िया है भाई, तुम्हारे सर के ऊपर देखो क्या है, खोया खोया चांद खुला आसमान। हाँ गाना गा लो भाई, खोया खोया चांद। आज बर्गर देख के गाना गाने के लिए मन नहीं करता है भाई। और ये क्या करना है भाई, उसको देखो प्यास लग रही है तो पी जाओ, नहीं तो देखो भाई ये नहीं तो हमारा नई तरीके से बन जाएगा भाई। क्या बनेगा बोलो? है? इसको मिला के क्या आइटम बना देंगे क्या? हाँ हो जाएगा, वो जो बीन्स और गाजर बचे हैं ना। हाँ उनको मैदे के अंदर डुबो कर और वो ब्रेड क्रम मिला कर। हाँ ऐसे तल लेंगे क्या? पकौड़ी जैसे बना देंगे। हाँ तल लेंगे, नहीं तो अच्छा हो जाएगा। हाँ फेंकना क्यों इसको? हाँ तो मिला लूँ इधर? मिला लो। देखो हमारा नई तरीके से ये हमारा ब्रेड क्रम भी मिला लो नई तरीके से। ये हो गया लगता है। हो गया ना? हाँ हो गया भाई। चलो निकाल लेते हैं इसको भी। चारों भाई हमारा बर्गर को मिलाएंगे भाई। देखिए दोस्तों क्लोजअप भी, मस्त कुरकुरे बन गए हैं देखो। बढ़िया, अभी खाने के बाद पता चलेगा। वो नया वाला भी डालोगे? हाँ हमारा देसी जुगाड़ भाई। हाँ हमारा नई तरीके से इसको ऐसे डुबाना है भाई। अच्छा फिर से? हाँ फिर से देखो हो रहा है ना भाई। हाँ अभी तल लोगे? हाँ अभी इसे धीरे से तल देना है भाई। तल लो तल लो तल लो, इसको तल देना है। छोड़ देते हैं कुछ देर, ऐसे पकने दो। अभी ये बंस को भी फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सेक लेते हैं बस ऐसे करके। बढ़िया है ना ये भी। सबसे पहले वेज मायोनीज, लगा लेंगे ऐसे थोड़ा।
अभी इसके ऊपर रख लेंगे एक चीज, उसके ऊपर हमारा तला हुआ स्टफिंग, अभी ये रख लूँ, रख लो, अभी ऐसे प्याज एक, टमाटर अंदर रख लेता हूँ, ऐसे हो जाएगा लगता है। पिज्जा पास्ता सॉस थोड़ा डाल लेता हूँ, तंदूरी मायो भी है, ये भी थोड़ा डाल लेता हूँ, ये ऐसे साइड साइड में भी थोड़ा डाल लेंगे, अलग टेस्ट आएगा थोड़ा सा। हो गया ना नए तरीके से, हो गया भाई नए तरीके से। अभी लास्ट में इसको ऐसे ऊपर रख लेंगे, फिसल के जा रहा है भाई, देखो हो गया ना बर्गर तैयार। चलो एक और बना लेता हूँ, ऐसे ही करेंगे इस बार, थोड़ा सा अलग प्रोसेस से करेंगे। अभी रख लेंगे एक स्टफिंग इसके ऊपर, ये हो गया, और इसी के ऊपर ही लगा लेंगे चीज। इसके ऊपर रख लूंगा प्याज, फिर थोड़ा सा टमाटर, फिर पिज्जा पास्ता सॉस थोड़ा डाल लूंगा ऊपर ऐसे। चलो ऐसे लंबा हो गया, हुआ दिख रहा है कुछ कुछ बर्गर जैसा। हाँ। तो काट के देखे भैया। हाँ काट के देखो भाई, ये कटेगा तो, ये तो फिसल जा रहा है। देखो स्टफिंग के साथ चलेगा हमारा नया तरीके से बर्गर। ठीक है तो। हाँ चलेगा भाई। तो डिनर स्टार्ट करें भैया। हाँ स्टार्ट करें भाई। नए तरीके से नए बर्गर बना लिए, तैयार है बर्गर, चीज वेज बर्गर। हाँ। और उसके साथ ये भी नए तरीके से तले हैं दो, आखिर में जो स्टफिंग बचा था ना उससे दो तल दिया था, इसको बाद में ट्राई करेंगे, पहले बर्गर से शुरुआत करो भाई। हाँ कैसा लग रहा है बताओ। देखो भाई कटे हुए, भाई कटे हुए से ट्राई करोगे? मैं तो काटा नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही खा लूँगा मैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है वाकई में। स्टफिंग का टेस्ट भी बढ़िया है। ये क्या हुआ, कहाँ कहाँ गिर जा रहा है भाई। भैया ये फिसलता बहुत है। हाँ यकीन मानो ये बर्गर एक तरफ स्टफिंग एक तरफ जा रहा है। मेरा तो ये गोभी का पत्ता ही बाहर निकल आया अलग से। शायद उसको अंदर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो चला बाहर करके ये निकल आया। एक्चुअली इसको काट के खाने में ही मजा है भाई। जैसे पकड़ के खाने से निकल जाते हैं चारों ओर से। ये देखो कटा है तो पूरा साइज है भाई। देखो देखो पूरा साइज है ना, बिल्कुल नहीं काटने से मुंह में नहीं आता ना। बड़ा हो जा रहा है, राक्षस के जैसे आ करके खाना पड़ रहा है फिर भी मुंह में नहीं जा रहा है। मक्खी क्या पकड़े क्या, टुबुक टुबुक तो कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सोने से पहले एक मारते हैं एक राउंड। हाँ ट्राई मारते हैं, पकड़ में आए तो ठीक। मैंने भी सुना था रात में नदी के किनारे मछली आते हैं बोलते हैं। मैंने भी सुना है, देखते हैं उसका खाना साइड में मिलता है तो।
तो दोस्तों तैयार है, जैसे कि हम बता रहे थे सोने से पहले और एक बार ट्राई करेंगे मछली पकड़ने की। जाल फेंकने के बाद पता चलेगा रात में आते हैं कि नहीं। तो कैसे पकड़ना है भाई? ऐसे पहले इसको खुला कर दो ऐसे, तो फिर यहाँ से ऐसे करके इस तरह से ऐसे घुमाओ, उसको ये थंब के ऊपर लो, इसको ऐसे पकड़ो, अभी फेंक दो भैया। देखो भाई अभी तो आ जाए भाई, ट्राई करो। कुछ लग रहा है क्या? पता चल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो फिर से थोड़ा मारोगे? क्या मछली? मछली फंसी या केकड़ा या कुछ नहीं, सिर्फ लकड़ियां। ये तो लकड़ियां ही लकड़ियां है भैया। मछलियों के नामों निशान नहीं। क्या करें, चले चलेंगे, ये बहते हुए पानी में ही मिलेंगे। वो जो नया स्पॉट देखे था ना हमने, बहते हुए पानी में, उसमें ट्राई करेंगे। चलो अभी चलते हैं। तो यार मस्त तो आग जल गया, लकड़ी वकड़ी डाला थे क्या उसमें आग में तुमने? हाँ। तो दोस्तों टेंट के अंदर तो अब आगे सीन ले चारों तरफ से, लेकिन भाई मुझे हंसी क्यों आ रही है पता है? हरि भाई के बारे में सोच के। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? अरे अभी भूल गए, बर्तन वर्तन हम धोने के लिए गए थे, दो चार सियार आवाज़ किए कि नहीं, ये पूरा दुम दबा के भाग आए टेंट के। अरे सियार रे नहीं दोस्तों, सियार लोग रहते तो चार या पाँच पूरा झुंड से रहते हैं। नहीं इनको ऊपर से डर भी लगता है थोड़ा उनसे, कोई कोई होते हैं ना जिनको कुछ कुछ चीज़ों से डर लगता है, जैसे कि मैं हो गया, मुझे उनसे तो डर नहीं लगता, मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता है, फोबिया टाइप का होता है ना, तो इनको सियार से डर लगता है बहुत। तो अभी बाहर से आवाज़ आ रही थी कुछ कुछ, जब हम बर्तन वर्तन सब धुआ धोना वोना कर रहे थे तब थोड़ा थोड़ा आवाज़ आया हमको। बाकी पीछे की तरफ तो जंगल है, पहाड़ी के ऊपर जंगल एरिया थोड़ा है, मतलब आज मैं तसल्ली नहीं दूंगा भाई, आज डरो जी भर कर डरो, ठीक है? आज रियल में जंगल है ऊपर की तरफ, मैं भी डरूंगा, मुझे भी हक है डरने का भाई। तो थोड़ा चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा, ठीक है? आग बाहर हमने थोड़ा जलाया है, मोटे मोटे लकड़ियां थोड़े पास से कलेक्ट करके रखा है, एक डाला था, धुआं भी हो गया थोड़ा सा, कीड़े मकोड़े चले गए, फिर भी कुछ कुछ अंदर चले आए, अभी लाइट बुझा के ऐसे ये थोड़ा निकाल देंगे तो भी चला जाएगा, देखेंगे अगर तंग करते हैं तो निकालेंगे, नहीं तो यही सो सकते हैं। बाकी सब कुछ तो बढ़िया ठीक है दोस्तों है। तो भैया क्या बर्गर कैसा लगा भाई?
बर्गर के बारे बारे में भाई पूछो मत। नहीं बहुत ही टेस्टी था, मेरा मतलब बहुत ही टेस्टी था एक्चुअली। हाँ और भी टेस्टी बन सकता था, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ वो साइज वगैरह मतलब नाप के अगर लेते तो वो थोड़ा और भी टेस्टी बन सकता था। और प्रॉपर बर्गर बंस ये नहीं थे, प्रॉपर बर्गर बंस अलग से मिलते हैं ना, जो जिसके ऊपर वो राशि टाइप के कुछ होते ना, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड, हम तो राशि बोलते हैं ना उड़िया में, तो वो टाइप का वो सफेद सफेद होता है ना, उसका काला काला वर्सन भी आता है तो वो डला हुआ होता है, उसका थोड़ा टेस्ट अलग रहता है। ये टेस्ट था ठीक था, बाकी साइज में थोड़ा गड़बड़ हुआ, इधर उधर फिसल जा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हमने खा लिया, चला लिया। तो और जो एक्स्ट्रा जो बनाया था हरी भाई ने नए तरीके से जो मैदे के साथ, भाई वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, मोटा हो गया ना, हैवी वेट हो गया, वो अंदर तक तेल गया नहीं, इसीलिए वो थोड़ा पका नहीं है अंदर से, थोड़ा अंदर अंदर बीचों बीच थोड़ा कच्चा कच्चा रह गया था, फिर भी उसको भी चला के खा लिया हमने। तो दोस्तों ये खाना खा के हमको आदत हो गया है, तो हम जीरा देते हैं, मतलब हजम कर देते हैं, कुछ गड़बड़ी नहीं होता है, नहीं होता है बिल्कुल। हमारा हमारा पेट, ये पेट पेट नहीं मशीन है, उसके अंदर मशीन लगा है, पूरा ग्राइंडिंग हो जाता है। बिल्कुल ऐसे पहाड़ी वाड़ी चलेंगे, एडवेंचर करेंगे तो ग्राइंडिंग हो ही जाएगा भाई। तो अभी क्या करें, सोने का इरादा है? हाँ, तो सो जाते हैं भाई, लेकिन आज थोड़ा डेंजर है पता है ना। क्या डेंजर है? अरे पास में जंगल है ना, बताया अभी तो मैंने। हाँ थोड़ा इसलिए सतर्क होकर देख के सोना पड़ेगा, रात में 4 घंटे तुम जागो, मैं 5 घंटे सोता हूँ। पानी का आवाज़, अरे कोई जानवर आया क्या पानी के पास? टेंट हिल रहा है, ये तो हवा है। पानी के पास कोई जानवर तो पानी पीने नहीं आया ना? पानी का साउंड देखो, हाँ हवा है क्या? हवा है लगता है, तो फिर ठीक है भाई, वो खोल के देख लेंगे, देख लो, तसल्ली नहीं होगा ना भाई। नहीं हवा है, हवा है भाई, सेफ है हम, हवा है। नहीं तो पानी कहाँ से हटक चले है, बोलता था साउंड। चलो भाई टेंशन की कोई बात है नहीं, हवा ही है। लेकिन फिर भी जैसे मैं कह रहा था, पास मतलब पहाड़ी के ऊपर पास में ही जंगल है ना, इसीलिए थोड़ा देख के संभल के रहना पड़ेगा जागते हुए। जैसे कि मैं कह रहा था 4 घंटे मैं सोता हूँ, 5 घंटे तुम जगो। फाइनली अभी सो ही जाते हैं, ज़्यादा देर भी हो गया ना भाई, 11 बज रहे हैं। 11 बजे सोएंगे तो भी तभी तो सुबह 3:30 या 4 बजे उठना पड़ेगा ना फिर। चलो लाइट वाइट बुझा लेते हैं भाई, क्या बोलते हैं? हाँ बुझा लो भाई। तो गुड नाइट बोल ले। हाँ गुड नाइट बोलते हैं दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे। कहाँ पे? जो नया प्रेस दिखाया था ना, अब की बार तो पक्का वहीं पर ही मिलेंगे। उस टाइम मछली को नहीं छोड़ेंगे भाई, मछली को नहीं छोड़ेंगे, मछली पकड़ेंगे, वो प्लेस को भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब वहाँ पे ही कैंपिंग करेंगे, अल्टरनेट को कहीं पर नहीं जाएंगे, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो तुम्हारे पैर के पास वाला लाइट, ऊपर सर में एक लाइट, यहाँ पे कितने लाइट लगाए हो भाई तुम आज? हाँ, ये वाला भी लाइट भाई देखो, कमाल कर दिया आज तो तुम, आज लाइट लाइट इतना ज़्यादा है भाई, ये लाइट भी जल कर रह गया है। हाँ लाइट बंद करके, हाँ ये हो ही ना बात, तो ये लाइट उतर नीचे बंद कर दूं क्या? गुड नाइट बोल लिया क्या? नहीं भाई, तो गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, और फिर मिलेंगे, चल 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 दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा बर्गर आपको। हाँ। वैसे आपने आपने तो खाया नहीं, हमने खाया। देख के कैसा लगा ये सजेशन, मतलब आप ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है तो बंद कर दूं? हाँ बंद कर दो भाई। मिला क्या बटन? नहीं भाई छोटे छोटे, तो हाँ ऊपर ऊपर नीचे नीचे, हाँ बड़ा मुश्किल से लाइट बंद होता है। अरे क्या बोले।